हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं मैडम सर सीरियल के बारे में, और इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, और उस वीडियो में पहले बहुत सारे मिस शॉट थे, तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारी की सारी कवर कर सके। और इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और इस वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ये मॉन्टो ऑन फैक्ट चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। हम बात कर रहे थे मैडम सर सीरियल के बारे में, तो ये सीरियल सब टीवी पर आता है और सोनी लाइव पे भी आता है। और दोस्तों आप मत बोला करो कि मैं एपिसोड अपलोड करूं। अगर आपको देखना है अगर ये सारी एपिसोड है, तो आपके पास सिम होगा एयरटेल का, जियो का, तो उसमें जियो टीवी एयरटेल टीवी आती है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। आपको कोई रिचार्ज या कोई बिल पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोनी लाइव डाउनलोड करते हो तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा वन मंथ, जैसे कि फ़ोन का रिचार्ज करते हो उसी तरीके से आप उस ऐप का भी रिचार्ज करके आप अनलिमिटेड शो देख सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं सीरियल की टाइमिंग की। तो ये सीरियल आता है मंडे टू फ्राइडे 10 PM, और इस सीरियल को लेकर IMDb पर 5.8 की रेटिंग है। वैसे तो ये सीरियल बहुत जगह पॉपुलर है, पर 5.8 की रेटिंग क्यों है इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस फिर भी बहुत अच्छी रेटिंग है इस सीरियल की। अब बात करते हैं इसके लीड रोल में 4 एक्टर्स हैं, उनके बारे में तो हमें मालूम ही है, और उनके अलावा भी साइड एक्टर बहुत सारे हैं, और टोटल एक्टर इसमें 46 मेंबर काम करते हैं, जिनमें से लीड रोल में हैं, जिनके बारे में आपको, पहले लीड रोल में हैं गोल्की जोशी, युक्ति कपूर, सोनाली नायक, भविका शर्मा। ये 4 एक्टर हैं जो लीड रोल में हैं, और साइड एक्टर लीड रोल में टोटल 42 मेंबर हैं, जिनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग काम कर चुके हैं। ऐसे तो बहुत सारे एक्टर हैं जो साइड रोल में काम कर रहे हैं, उनके बारे में मेंशन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा उनके बारे में आपको बताऊँ। अब बात करते हैं फ़नी साइड एक्टर के बारे में। तो फ़नी साइड एक्टर में बिल्लू द स्पाई के बाद इकबाल और बदनाम चाय वाला और रिपोर्टर सनी चड्डा और चीता चतुर्वेदी, और ऐसे भी बहुत सारे साइड एक्टर हैं जो लोगों को एंटरटेन करते हैं, जिनके बारे में आपको सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि आपके चेहरे पे स्माइल ला सके, आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट भर सके। क्योंकि इस टाइम में जो सबसे बेस्ट वर्क है उसे, उस काम को बोलते हैं लोगों को हंसाना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे लाइफ में दुख के अलावा खुशी बहुत कम है। तो ये दुनिया का बेस्ट वर्क कर रहे हैं हमें हंसाकर। अब बात करते हैं इनके रियल नाम और रियल कैरेक्टर। इकबाल का रियल नाम है अश्वनी राठौर, और बदनाम चाय वाले का रियल नाम है, आई एम सॉरी दोस्तों इस टाइम भी मुझे रिफ्रेश, बदनाम चाय का रियल नाम मुझे नहीं मालूम चला। अब बात करते हैं चीता चतुर्वेदी का असली नाम क्या है। चीता चतुर्वेदी का असली नाम है प्रियांशु सिंह। अब बिल्लू द स्पाई का असली नाम है अजय जाधव, और अजय जाधव जी के बारे में बात कर लो तो इनको मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था बालवीर के चाचा के रूप में इनको देखा था, और उसमें भी ऑलमोस्ट उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। और अभी की बात करें तो अभी तो आग लगा रहे बिल्कुल ही शो में, एकदम भरपूर कॉमेडी कूट कूट के दे रहे हैं। इस मूवी के मम्मी पापा के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन राइटर है जो इन स्टोरी को लिखता है, जो सबसे लीड रोल है वो राइटर का रोल होता है। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन राइटर है जो इतनी प्यारी प्यारी स्क्रिप्ट, कॉमेडी भरी, ये सारी चीज़ें मेंशन करते और लिखती हैं। हाँ, आपने सही समझा, लिखती हैं। इस स्टोरी को लिखती हैं प्रिया मिश्रा। इस सीरियल के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं तबीयत मलिक, नाम सुनकर ही तबीयत सही हो गया। और इस सीरियल में म्यूजिक मेंशन करते हैं ललिता सेन, और इस मूवी के डायरेक्टर हैं हेमंत चौहान। मेन लीड रोल में तो 4 एक्टर हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ, अब टोटल जितने भी एक्टर हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। वैसे 46 एक्टर हैं, पर जो मेन लीड रोल में उनके बारे में अभी मैं बताता हूँ। रोहिल आजम, अजय जाधव, प्रियांशु सिंह, जतिन अरोड़ा, यशकांत शर्मा, गौरव वधवा, ईशा कंसरा और अदि रानी, राजेंद्र जाधव, अंकिता त्रिपाठी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे और भी बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।